द यूनिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मायरा भट्ट। आपको बता दूं इस वक्त मैं भगवती नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जो स्टैचू है उसकी इनॉग्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ पहुँचे हैं। उनके साथ साथ आप देख सकते हैं बीजेपी के कई लीडर्स भी यहाँ पहुँचे हैं, कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद है। और वहीं लोगों की बात की जाए तो वो लोग भी जो यहाँ पे है मौजूद है। आपको बता दें पहले ये स्टैचू जो है कुंजवानी इलाके में एरिया में जो है वो लगने वाला था, लेकिन हाईवे की वजह से जो है इसे वहां से प्रशासन ने जो है बताया कि ये वाला जो है इलाका इसके लिए परफेक्ट रहेगा और यहां पे जो है आज लगा है और इसकी इनॉग्रेशन जो है एलजी मनोज सिन्हा द्वारा जो है वो की गई। आपको बता दें यहाँ पे लंगर का भी आयोजन किया गया है और लोग जो है यहाँ पे शुरू होता है शहीद दिवस मना रहे हैं। मेरे गुरु के लाला ने इन्ना मनी और शहादत का जान पिता अगर कदे वो फते आपको बता दें यहाँ पे मेडिकल कैंप का भी जो आयोजन है वो किया गया है। लंगर के साथ साथ मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया है यहाँ पे। हेलो सर, हेलो, पंजाबी बोलो। पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज सानू बड़ा प्राउड फील करते हैं कि अज इन्ना बड़ा एक जो उपराला होया अज बाबा बंदा सिंह बहादुर का एक स्टैचू लाया है, सानू बड़ा प्राउड फील करते हैं। और मैं धन्यवाद करता जे एंड के जम्मू कश्मीर की प्रबंध कमेटी का जिन्हें सानू मौका दिता सेवा करन दा। अज सीबा इवन ने अज सेवा करन दा एक मेडिकल कैंप लाया जिससे तरह तरह के स्पैशलिटी साढ़े इतने आए हैं सेवा करने से, जिसमें साढ़े नाल डॉक्टर आचार्य अपना पैथ लैब हो गया, अमनदीप हॉस्पिटल हो गया, जेके मेडिसिटी है, अपना शंकुस हॉस्पिटल, अपना डेंटल कॉलेज, तरह तरह के हॉस्पिटल ही हमारे साथ आए हैं। हम बड़ा धन्यवाद करते हैं सभी का। सिद्धार्थ जी सब तो पहले धन्यवाद थोड़े चैनल का द यूनिक न्यूज़ का। अज बड़ा ही इतिहासिक दिन है, तुहानू पता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की जिहड़ी प्रतिमा का अज अनवीलिंग हुई है गवर्नर साहब के थ्रू, तो अस धन्यवाद करने असी कोआर्डीनेशन कमेटी का जिहड़े साढ़े नाल मिल के इस मेडिकल कैंप नू करवाने वास्ते सानू सहयोग किया। तो सब तो ज़्यादा सारी कौम नू मुबारकबाद देने कि अज बड़ा इतिहासिक दिन है। अपने बच्चों नू अपने जिहड़े वीर सपूत ने उनकी कहानियां दसनी चाहिए कि साढ़े जिहड़े फ्रीडम फाइटर्स ने साढ़े जिहड़े सपूत ने उन्होंने किन्नी कुर्बानियां दी है वो स्कूल कॉलेज च पढ़ानी चाहिए है। साडा इहो मैसेज है। तो मेडिकल सर्विस का जिहड़ा अस सेवा दे करने आ उस च सारा योगदान है। धन्यवाद जी। वहीं बता दें कि सिक्योरिटी के कड़े जो बंदोबस्त है वो भी यहाँ पे किए गए हैं। और बगैर आपने संस्कार
अपने आप को चिनाना प्रवान कराया मगर ई नहीं मिली सानू ये चीज तो सीख लेनी चाहिए है। और दूजा अज जिहड़े असि जुड़ के बैठे हैं एक गुलदस्ते रूप दे विच इसका बड़ा वड्डा जिहड़ा एक क्रेडिट जाता है वह जम्मू कश्मीर की सिखी का धुरा श्रोमणी डेरा नंगाली साहब के मुखी महंत मनजीत सिंह जी जिन्होंने कि डेढ़ दो साल पहला जम्मू कश्मीर की समूह संगत इकट्ठे करने के लिए जो जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जिदे विच असी सारे ही वह कौमी दर्द रखने वाले जेडे कौम के प्रति सुचेत ने जेडे कौम का दर्द रखते ने वह सारे ही इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा असि सारे जेडे अज इस पंडाल से बैठे हुए हैं अज ये असि सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा क्यों क्योंकि जिथे असी अगर कौम का दर्द रखते हैं उत्थे सानू आपसी छोटे मोटे मतभेद भुला के जिथे कौम की समाज की गल आएगी उत्थे सानू आपसी मतभेद भुला के एकजुट होना पेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर मैं ज्यादा तो नहीं कहंगा मैं जम्मू कश्मीर की पहले गल करता कि पिछले डेढ़ साल से कमेटी बनी है या महापुरुषों ने जिस दिन कमेटी का गठन किया उस दिन यह गल कही सी कि साढ़िया जिहड़ियां कौमी प्रॉब्लम्स हैं जिहड़े समाजिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हां नूं सरकारे दरबारे पहुंचाना और उन्हां प्रॉब्लम का सोल्यूशन कढ़ना मैं समझ रहा कि वह अज साडा एक कट दस रहे हैं कि किते ना किते साढ़िया प्रॉब्लम्स जिहड़ियां उन्हां दा सोल्यूशन निकल रहा है जिसके मैं सब तो पहला ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करांगा कि पिछले साल इसे ही दिन 26 दिसंबर 2023 डिगियाना आश्रम के विखे उन्होंने एक भगवती नगर चौक जिहड़ा अनाउंस करके संगत को दिता सी कि तुसीं बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हों का नाम बाबा गुरबख्श सिंह जी है बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का स्टैचू लगाने के लिए क्योंकि साढ़े वड्डे वडेरिया ने पिछले 12-15 साल को स्ट्रगल कर रहे सन कि बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू जिहड़ा उसकार हो सके ते मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्हों ने कि जो किया वो किया अगर पिछले साल किया सी ते अज वो इत्थे बैठे हुए इस साल इसे डेट ते जिहड़ा सरकार की तरफों भी वीर बाल दिवस अनाउंस किया होया है उहदे विच बैठे हुए अज उन्होंने महापुरुषों ने अपने हाथों नाल इस स्टैचू नूं जम्मू कश्मीर की आवाम नूं समर्पित किया है साढ़े वास्ते ये बड़े वड्डे माण की गल है कि अज साडे जरनैल साडे योधे का जिहड़ा स्टैचू है स्टैबलिश होया है हालांकि असीं बुत प्रस्त नहीं मगर फिर भी ये वह योधे हैं जिन्हों की याद साड़ी आने वाली नस्लों नूं इन्हां दे इतिहास के लिए इन्हों का लगाना भी जरूरी है क्योंकि अज का प्रोग्राम जिहड़ा सी मेन शफरे साहिब छोटे साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े के संबंध में सी मगर उसे महापुरशां ने यह डिसाइड किया और समूह पतवंते सज्जा ने बैठ के डिसाइड किया कि वह समागम भी इत्थे ही किया जाए
ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ।